तो स्वागत है आपका एक और नए YouTube वीडियो में। मेरा नाम प्रशांत है। हमारी रोज मुलाकात नहीं हो पाती, बट जब भी होती है आपको पता है मैं बहुत ही रिस्की बट इफेक्टिव ग्रैंड लीग पिक्स बताता हूँ आपको। तो आज मैं बात करूँगा SRH और मुंबई इंडियंस का जो मैच होने वाला है वानखेड़े स्टेडियम में, उनके ग्रैंड लीग के पिक्स आप किस हिसाब से ले सकते हो, कौन हो सकते हैं आपके ग्रैंड लीग के कैप्टन और वाइस कैप्टन जो आपको बड़े अमाउंट जिता सकते हैं। तो वीडियो में बने रहना, सब्सक्राइब कर लेना हमारा YouTube चैनल। अब बात करते हैं ग्रैंड लीग पिक्स की दोनों टीमों की। तो शुरू में बात कर लेते हैं हम ग्रैंड लीग पिक्स मुंबई इंडियंस की तरफ से जो आपकी टीम में ज़रूर होने चाहिए। सबसे पहला नाम मैं लेना चाहता हूँ रोहित शर्मा का। आपको लगेगा यार रोहित शर्मा ग्रैंड लीग में लेना चाहिए या नहीं, फॉर्म इतना अच्छा चल नहीं रहा है, बट आप भूले ना कि लास्ट फ्यू मैचेस में रोहित शर्मा को स्टार्ट्स मिले हैं। इवन दो वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए हैं बट स्टार्ट जरूर मिले हैं और वानखेड़े में उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। अगर मैं आपको वानखेड़े के नंबर्स बताऊं, 34 का एवरेज है रोहित शर्मा का और स्ट्राइक रेट है 134 का। तो हर मैच में आपको 34 रन बना के दे रहे हैं वो अगर वानखेड़े में मैच होता है। अगर मैं SRH की बॉलिंग अटैक देखूँ, उनका मैचअप बन रहा है शुरू में भुवनेश्वर कुमार से। अगर उसको वो सर्वाइव कर लेते हैं वो स्पेल, तो मेरे को लग रहा है कि जो पहला 50 है सीजन का वो रोहित शर्मा जरूर बना सकते हैं अगेंस्ट SRH। तो एक चांस ले लो मेरे बोलने से, रोहित शर्मा को इंक्लूड जरूर कर लेना अपनी ग्रैंड लीग की टीम में। दूसरा नाम मैं लेना चाहूँगा मुंबई इंडियंस का जो प्लेयर है वो है डैनियल सैम्स। देखो डैनियल सैम्स का भी जो करंट फॉर्म है वो बहुत तगड़ा है। शुरुआत सीजन की बहुत बुरी हुई थी, उनकी ड्रॉप भी हो गए थे, बट जब से उन्होंने कमबैक किया है वो अच्छा कर रहे हैं, विकेट्स भी ले रहे हैं और इम्पॉर्टेंट विकेट्स लेके दे रहे हैं मुंबई इंडियंस को। पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं और डेथ ओवर्स में भी, तो उनके जो चांसेस है विकेट लेने के वो बहुत हाई हैं और ऐसे प्लेयर्स आपको ग्रैंड लीग में ज़रूर लेने चाहिए क्योंकि अच्छे दिन पे वो अपने ईजिली दो या तीन विकेट ले सकते हैं। लास्ट मैच भी मुंबई इंडियंस का वानखेड़े में हुआ था, तो आपको पता है डैनियल सैम्स थे जिन्होंने 3 विकेट लिए थे। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि यार इस मैच में भी आपको ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना चाहिए डैनियल सैम्स को। प्लस वो 3 नंबर पे भी खेले थे, अगर बैटिंग देखें हम मुंबई इंडियंस ने उनको प्रमोट किया था। अगर इस मैच में भी ऐसा हो जाता है तो वो आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों में पॉइंट्स दे रहे हैं एज अ प्योर ऑलराउंडर। तो इसी वजह से मेरे को लगता है ये बहुत अच्छे पिक हैं ग्रैंड लीग के लिए। तो डैनियल सैम्स पर रखना नज़र रखना, मेरे हिसाब से आप ग्रैंड लीग में वो जरूर लेने चाहिए। तीसरा नाम कैप्टन वाइस कैप्टन में भी आप ना बनाओ इनको, बट टीम में ज़रूर रखना, उनका नाम है टिम डेविड। टिम डेविड को क्यों मैं बोल रहा हूँ यार, क्योंकि जो वानखेड़े की पिच है ना वो इनके स्ट्रोक प्ले के लिए परफेक्ट है। ये कट और पुल अच्छा मारते हैं और अगर हम SRH की बॉलिंग अटैक देखें, अपार्ट फ्रॉम उमरान मलिक वैसे भी मिडल ओवर्स में फेंकते हैं बॉल, तो टिम डेविड एंड में आएंगे। SRH के पास ज़्यादा पेस नहीं है उमरान मलिक को अगर हम हटा दें, तो ये मीडियम पेसर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। अगर इनको 15 या 20 बॉल मिल गई तो ये इजीली 40 तो मार ही सकते हैं। तो इसी वजह से ये एक रिस्की पिक हो सकता है, बट ग्रैंड लीग में मैं तो पर्सनली रखूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप भी इसको कंसिडर करो और ग्रैंड लीग में ले सकते हो आप टिम डेविड। चौथा नाम और लास्ट नाम जो मुंबई इंडियंस की तरफ से जो मैं लेना चाहूँगा वो है जसप्रीत बुमराह। जैसा कि मैंने बात की डैनियल सैम्स की, उनका भी करंट फॉर्म बहुत अच्छा है। विकेट टेकिंग फॉर्म जो है जसप्रीत बुमराह का वो वापस आ चुका है, 5 विकेट ऑल ले चुके हैं वो इस सीज़न में। तो इसीलिए मेरे को लगता है वानखेड़े में भी उनके नंबर्स देखें, 40 विकेट लिए हैं बुमराह ने और 27 की एवरेज है बस। तो इसीलिए मेरे को लगता है ये बंदा ग्रैंड लीग में आपकी टीम में ज़रूर होना चाहिए। और अगर मैं मैचअप देखूँ इनका जो रिकॉर्ड है केन विलियमसन के अगेंस्ट अच्छा है, प्लस निकोलस पूरन के अगेंस्ट। विलियमसन को ये पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे और निकोलस पूरन को ये डेथ में बॉलिंग करेंगे, तो दोनों की अगेंस्ट इनका अच्छा रिकॉर्ड है। तो जसप्रीत बुमराह के पास भी एबिलिटी है कि यार वो SRH के अगेंस्ट 2-3 विकेट ले लें, तो ये परफेक्ट पिक है ग्रैंड लीग के लिए। तो ये 4 प्लेयर्स मुंबई इंडियंस की तरफ से आप ज़रूर रखना अपनी ग्रैंड लीग। तो अब चलते हैं यार SRH की ग्रैंड लीग की तरफ, शुरुआत करते हैं राहुल त्रिपाठी के साथ। राहुल त्रिपाठी जैसे कि आप सब जानते हैं ये सीज़न इनका बहुत अच्छा गया है। अगर मैं इनके नंबर्स देखूँ इस सीज़न के वो अनबिलीवेबल है यार, 35 का एवरेज है, 160 का स्ट्राइक रेट है। ऐसे बंदे को ग्रैंड लीग में नहीं लेंगे तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस बंदे को इस बेसिस पे तो यार ज़रूर रखना है ग्रैंड लीग में। वानखेड़े में भी इसके नंबर्स ठीक ठाक है, 24 का एवरेज है, 138 का स्ट्राइक रेट है। तो यार मेरे को लगता है कि अगर मैं मुंबई इंडियंस का बॉलिंग अटैक भी देखूं, मिडिल ओवर्स में आएंगे ऋतिक शौकीन हो गए, कार्तिकेय हो गए, मेरेडिथ हो गए,
ये अच्छा खेलते हैं पेस और स्पिन, और इन बॉलर्स को ये डोमिनेट कर सकते हैं। इनका जो की स्ट्रेंथ है जो मैं देखता हूँ एज अ बैट्समैन, वो है कट खेलना और पुल खेलना। और ये दो शॉट्स यार, ये हाई स्कोरिंग शॉट्स हैं वानखेड़े में। आप देख लो जितने भी बंदे स्कोर करते हैं वानखेड़े में, ये दो शॉट्स सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए राहुल त्रिपाठी आपकी ग्रैंड लीग में ज़रूर होने चाहिए। अब चलते हैं दूसरे नाम की तरफ, वो है एडन मार्करम। नंबर 4 पे खेल रहे हैं वो ये सीज़न, और ये सीज़न यार मैं जो बोलूँ कम है, नंबर आपको सारी स्टोरी बता देंगे। 59 का एवरेज है, 141 का स्ट्राइक रेट है इस सीज़न। तो ये सीज़न इनका सबसे बेस्ट सीज़न रहा है करियर का आईपीएल की अगर मैं बात करूँ तो। एक्सेलेंट फॉर्म है इनका जो करंट फॉर्म है, इसलिए मेरे को लगता है ग्रैंड लीग के लिए ये भी आपकी टीम में ज़रूर होने चाहिए। पेस भी अच्छा खेलते हैं, स्पिन भी अच्छा खेलते हैं, और मैंने जैसे बात करी जो मिडिल ओवर्स में डालेंगे मुंबई इंडियंस के बॉलर, मेरेडिक हो गए, शौकीन हो गए, कार्तिकीय हो गए, त्रिपाठी की तरह ये भी अच्छा खेल सकते हैं उनको। तो अर्ली ऑन अगर विकेट नहीं गिरी एसआरएच की, ये मिडिल ओवर्स में आते हैं तो ये डोमिनेट कर सकते हैं, 50, 60, even 70 रन मार सकते हैं। वानखेड़े में यार मैं इग्नोर नहीं करूँगा एडन मार्करम को, टीम में अपनी ज़रूर रखना ग्रैंड लीग की। अब जो तीसरा नाम जो एसआरएच की तरफ से ग्रैंड लीग का एक प्राइम कंटेंडर है आपकी टीम में यार होना ही चाहिए, वो है उमरान मलिक। उमरान मलिक ये सीज़न इनका, इन्होंने खौफ पैदा कर रखा है जिस भी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, ये इनका डर बना हुआ है क्योंकि ये अब बाउंसर्स पे विकेट ले रहे हैं, अब ये यॉर्कर्स पे भी विकेट ले रहे हैं और अच्छे अच्छे बैट्समैनों को आउट कर रहे हैं। वानखेड़े में इस साल 2 मैच खेले हैं, उनमें से एक मैच में इन्होंने 5 विकेट हॉल लिया है। तो इस बेसिस पे वानखेड़े में मैच है, क्योंकि वानखेड़े में अगर आप देखो ये सीज़न जनरली जो होता है विकेट में बाउंस होता है ग्रैंड लीग में, इसलिए आप पेसर्स की तरफ जा सकते हो। उमरान मलिक इसलिए एक परफेक्ट पिक है, अपने अच्छे दिन पे ये इजीली 3 विकेट ले सकते हैं, लास्ट मैच में भी 3 विकेट लिए थे इन्होंने, मेरे को लगता है ये मैच भी इनका हो सकता है। तो बात कर ली हमने उमरान मलिक की, बाउंस होता है वानखेड़े की विकेट पे, इसलिए ग्रैंड लीग में ये बंदा आपकी टीम में परफेक्ट होगा। तो अब बात कर लेते हैं यार आपकी फेवरेट सेगमेंट की, जिसका आपको इंतज़ार रहता है, आप सब जगह पूछते हो कैप्टन किसको बनाना है, वाइस कैप्टन किसको बनाना है ग्रैंड लीग का। तो मैं 3 कॉम्बिनेशन लेके आया हूँ आपके लिए, आप ट्राई कर सकते हो ये, जो मेरे को लगता है कि यार वर्क कर सकता है, इन प्लेयर्स का दिन हो सकता है। तो पहला कॉम्बिनेशन अगर मैं बात करूँ तो कैप्टन मार्करम, वाइस कैप्टन डैनियल सैम्स। मार्करम की मैंने बात कर ली, ये सीज़न बहुत अच्छा चल रहा है, वानखेड़े उनको सूट करेगा। डैनियल सैम्स ने भी लास्ट मैच, उनका मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस वानखेड़े में ही आया था, और इनका करंट फॉर्म बहुत अच्छा है। तो ये है पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन कैप्टन बुमराह, वाइस कैप्टन त्रिपाठी। बुमराह कैप्टन क्यों, क्योंकि यार वानखेड़े में बाउंस होता है पेसर्स के लिए, और इनिशियली भी स्विंग थोड़ा सा मिलता है। बुमराह विकेट टेकिंग फॉर्म इनका वापस आ चुका है, जैसे कि मैंने बात करी शुरू में, विलियमसन को ट्रबल कर सकते हैं, अभिषेक को भी ट्रबल कर सकते हैं, फिर जब डेथ में आएंगे तो शशांक सिंह हो गए, निकोलस पूरन के अगेंस्ट इनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, तो इस बेसिस पे आप ये ट्राई कर सकते हो। त्रिपाठी भी मेरे को लग रहा है इनका एक नॉक डियो है और शायद इस मैच में आ सकता है। एक रिस्की कॉम्बिनेशन बताऊं मैं आपको कैप्टन वाइस कैप्टन का, जो आप ट्राई कर सकते हो। कैप्टन आप बना सकते हो बुमराह को, बुमराह की बात हो गई है, वाइस कैप्टन आप बना सकते हो रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा का 1 भी 50 नहीं आया है इस सीज़न में, बट वानखेड़े में रिकॉर्ड अच्छा है, मैंने बात कर ली है शुरू में, और ये मैच मेरे को लग रहा है इसमें आप रिस्क ले सकते हो, वाइस कैप्टन बना सकते हो रोहित शर्मा। तो ये है 3 कॉम्बिनेशन आप ग्रैंड लीग में ट्राई ज़रूर कर सकते हो। तो यार ये तो बात हो गई कौन से प्लेयर्स लेने आपको ग्रैंड लीग में, कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बना सकते हो। अब बात कर लेते हैं आपको टीम्स कहाँ पर बनानी है। टीम्स आपको यार सिर्फ बनानी है आई गेमियों पर, जैसे कि आपको पता है आई गेमियों पर 2 एक्सक्लूसिव लीडर बोर्ड लीग्स चल रही है, एक चल रही है ग्रैंड लीग लीडर बोर्ड, एक चल रहा है स्मॉल लीग लीडर बोर्ड। अगर आप ग्रैंड लीग लीडर बोर्ड टॉप करते हो, सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं आपके, तो आप एक ट्रिप जीत सकते हो दुबई जाने का, आप दुबई जा सकते हो। तो इसलिए आप ये जो लीडर बोर्ड है इसको ज्वाइन कर सकते हो, खेल सकते हो, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यार, दुबई जाने का मौका मिल रहा है आपको सिर्फ आई गेमियों पर। अगर मैं बात करूँ स्मॉल लीग लीडर बोर्ड की, अगर आपके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं स्मॉल लीग लीडर बोर्ड में, तो आप जीत सकते हो थाईलैंड का ट्रिप। तो बहुत बड़े बड़े रिवॉर्ड्स आएंगे गेमियों पर, आप एक बार टीम्स बना के देखो, अपना एक चांस ट्राई करो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, टैप करके आप पहुंच जाओगे वहां पे, डाउनलोड कर लो आप, और आपको इस मैच की टीम और बाकी के आने वाले मैचों की भी टीम बनानी है सिर्फ आई गेमियों पर। तो इतना ही था यार आज की वीडियो में, बात कर ली आपकी ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन की, कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बना सकते हो आप,
टीम आपको सिर्फ आई गेमियों पे बनानी, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके आप डाउनलोड कर सकते हो ऐप। तो मिलता हूँ यार मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना हमारा यूट्यूब चैनल, लाइक का बटन दबा देना, अपने शेयर कर देना दोस्तों के साथ जो फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं, कमेंट में बता देना तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है। मैं चलता हूँ, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।